आज तमाम बातों को अगर हम देखने सुनने की कोशिश करें तो इतना तो समझ में आता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, उसके पीछे एक रणनीति होती है। तो आज हम सबसे पहले ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि ब्रांड मोदी क्या है और इस ब्रांड से क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो बोला है वो एक खिलवाड़ है। आखिर नरेंद्र मोदी की शख्सियत में ऐसी कौन सी बात है जो उनको दूसरे भारतीय प्रधानमंत्रियों से जुदा करती है, अलग करती है? वो कौन सी बात है कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे कड़े कदमों के बावजूद देश की जनता ने उन्हें पहले से ज़्यादा सीटों पर जिताया? इसमें मोदी की अपनी क्षमताओं और पॉलिटिकल मार्केटिंग की बड़ी भूमिका है, या फिर इसमें प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी दिखते हैं जैसे भी, उसके पीछे भी उनकी एक रणनीति होती है, वो उनकी जो खास अदा है उसकी भूमिका है। आज समझने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री बनने से पहले ही मोदी की छवि कैसे बदलती चली गई, विकासवादी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता के रूप में उनका कद कैसे लार्जर देन लाइफ होता गया। नरेंद्र मोदी देश में पॉलिटिकल मार्केटिंग की सफलता का चरमोत्कर्ष है। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी एक बेहद सहज और सबसे संवाद करने वाले व्यक्ति रहे हैं, लेकिन गुजरात में 16 महीने के कार्यकाल में दोबारा चुनाव जीतने में गोधरा कांड के बाद गुजरात के दंगों ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करके गुजरात का राजनीतिक मानचित्र हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मुसलमानों के कत्लेआम पर रक्षात्मक मुद्रा अपनाने के बजाय आक्रामक हो गए। देश भर के बड़े पत्रकारों को बुलाकर मोदी ने योजनाबद्ध तरीके से हिंदू हितों की रक्षा करने वाले नेता की छवि बनाई। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की राजधर्म की परिभाषा ही बदल दी। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। वही तो कर रहे हैं साहब, सही कहा मोदी जी ने। मोदी के इसी राजधर्म ने गुजरात में लगातार 15 वर्ष शासन करने का मौका दिया। उन्होंने आतंकवाद की घटनाओं को भी जमकर भुनाया। मुसलमान, आतंकवाद, एनकाउंटर और हिंदुत्व के विमर्श ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कथित परम वैभव का दरवाजा खोल दिया। आरएसएस ने गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना दिया। इंडिया शाइनिंग के चमकदार प्रचार के बावजूद अटल जी के नेतृत्व में लड़ा गया आम चुनाव हारने पर बीजेपी 10 साल से सत्ता से बाहर हो गई। तब भी कहा जाता था कि अटल जी का विकल्प कौन, सोनिया? बहरहाल सोनिया गांधी ने 10 साल गठबंधन सरकार चलवा कर दिखा दी, लेकिन अडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की सूरत में बीजेपी और आरएसएस के पास चुनावी चंदे के वैसे ही लाले पड़ गए थे जिस तरह इन दिनों कांग्रेस गरीबी में चुनाव लड़ती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी गुजरात के उद्योगपतियों के चहेते थे, संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। गुजरात के हिंदुत्व के प्रयोग को देश भर में लागू करने के लिए आरएसएस ने उन्हें आगे कर दिया। गोवा में 2012 के अधिवेशन में उन्हें प्रचार की कमान सौंप दी गई। यहीं से लाल कृष्ण अडवाणी का राजनीतिक अवसान हो गया। उनकी सजल आंखों के चित्र भी सामने आ गए। ये वही लाल कृष्ण अडवाणी थे जो अटल जी से मोदी के पक्ष में लड़ गए थे और बर्खास्त नहीं करने दिया था। मोदी ने निष्ठुरता से नेपथ्य में अडवाणी को भेज दिया। इसके साथ ही शुरू हुई ब्रांड मोदी की राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च की तैयारी। एक क्षेत्रीय नेता की राष्ट्रीय नेता के रूप में ब्रांडिंग आसान भी नहीं थी। लंबे समय से शासन कर रही कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप चस्पा हो चुके थे। यूपीए सरकार को भ्रष्टाचार पर ही घेरा गया। अन्ना हजारे के चेहरे पर, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मंच पर जुटी बौद्धिकों की भीड़ ने देश में एक उम्मीद जगा दी।
और फिर निर्भया कांड को लेकर युवाओं का व्यवस्था विरोधी आक्रोश। बाबा रामदेव का योगासन और स्वदेशी से मिली लोकप्रियता, साथ ही कांग्रेस के जी 23 नेताओं के अहंकार ने नरेंद्र मोदी का कद बहुत बढ़ा दिया। सीएजी विनोद राय ने कोयला घोटाले और 2G स्पेक्ट्रम नीलामी में कथित घोटाले की रिपोर्ट से जनमानस में कांग्रेस की खलनायक की छवि बना दी। तब मोदी जी ने विदेशों से काला धन लाकर हर किसी के खाते में 15 लाख की बात कहकर देशवासियों में एक नई उम्मीद जगा दी। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपए ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। हिंदुत्व के साथ विकास के कॉकटेल ने मोदी के अतीत को धो दिया। वाइब्रेंट गुजरात की सफलता को लेकर भले ही संदेह हो, लेकिन देश में गुजरात मॉडल लाने का सपना दिखाया गया। देश के युवा को बदलाव लाने के लिए एक ऊर्जावान नेतृत्व की जरूरत थी। नरेंद्र मोदी को नमो का निकनेम भी इसीलिए दिया गया। ऐसे में गुजरात दंगों के दाग अच्छे हो गए। जितनी कानूनी कार्रवाई हुई उतना ही हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। मोदी विक्टिम की तरह पेश हो गए और हिंदुओं को लगा कि अब भारत विश्व गुरु बन जाएगा। ब्रांड मोदी तैयार करने में दुनिया की सबसे बेहतरीन एड एजेंसियां जुटी। ब्रांड मोदी कैसा हो, इसकी परिकल्पना ओगिल्वी एंड मेदर के पीयूष पांडे, मेडिसन के सेम बलसारा, मेक इन वर्ल्ड ग्रुप के प्रसून जोशी जैसे मशहूर क्रिएटिव डायरेक्टर्स और पटकथा लेखकों ने की। प्रसून ने तो ब्रांड मोदी के लिए गीत भी लिखा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत माँ को तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। दिलचस्प बात ये है कि इस गीत में ये नहीं कहा गया है कि देश नहीं बिकने दूंगा। रेडियो, प्रिंट और टेलीविजन का जिम्मा अंतर्राष्ट्रीय कंपनी WPP की सहयोगी कंपनी सोहो स्क्वायर को दिया गया। अब की बार मोदी सरकार का नारा देश में गुंजा दिया गया। गुजरात को विकास के मॉडल की तरह पेश किया गया। प्रचार की आधुनिक तकनीक और रैलियों को मेगा इवेंट्स की तरह पेश करने के साथ नरेंद्र मोदी की होलोग्राफिक इमेज से संसदीय लोकतंत्र में एक चमकदार बदलाव का एहसास होने लगा। सभी को लगा कि बस अब अच्छे दिन आने वाले हैं। आप जरा मुझे बताइए आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन, अच्छे दिन। 2014 के आम चुनाव में 15 करोड़ युवा मतदाताओं के दिल जीतने के लिए विमर्श गढ़े गए। मोदी ने शहरी युवाओं के लिए अंग्रेजी में भी संबोधन करना शुरू कर दिया। भले ही टेलीप्रॉम्प्टर की मदद लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी अपनी इमेज से निकलने में कोई गुरेज नहीं रहा। उनकी छवि गढ़ने के लिए उनके बचपन की कहानियाँ गढ़ी गयी। मगरमच्छ पकड़ कर लाने की घटना हो या हिमालय में साधना करने की कथा, उन पर कॉमिक्स तक तैयार किए गए। बच्चों के जरिए हर घर में घुसपैठ की गई। मोदी के चाय बेचने का जिक्र 2013 से पहले कहीं नहीं हुआ। चाय बेचने वाले की इमेज से आम आदमी को जोड़ा गया। मोदी जी ने अपनी माँ की गरीबी को भी जनता के सामने रखा। What was the role of my mother in my life? I think that's true of everybody. I come from a very humble family. My parents played a very big role in my life. I came from a very poor family. You probably know that I used to sell tea at the railway station. Nobody could have, I think no one can imagine that. कि दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी ने
It's hard to imagine that a tea seller has actually become the leader of the world's biggest democracy. जनता से कनेक्ट के मामले में मोदी की कोई सानी नहीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मन की बात कार्यक्रम को उन्होंने अनवरत चलाए रखा है। विजुअल रेडियो फॉर्मेट के इस कार्यक्रम में वो अपनी योजना के लाभार्थियों से बात करते हैं और पर्सनल टच देने में उनका कोई जवाब नहीं। जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। हर जगह या व्यक्ति से कोई ना कोई रिश्ता निकाल लेते हैं। यहां तक कि वो वाराणसी से लेकर पूर्वांचल तक को रिझाने के लिए बिना किसी लाज शर्म के भोजपुरी भी बोलने की कोशिश करते हैं। हम बाबा विश्वनाथ दरबार से देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन के प्रणाम करत है। हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है, जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत ये रही कि वो शुरू से ही टेक्नोलॉजी से भी रहे। उन्हें नए से नए मॉडल का फोन रखने की आदत रही, तो सोशल मीडिया के व्यापक राजनीतिक इस्तेमाल में वो और उनकी पार्टी इतनी आगे निकल चुकी है कि कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दलों को पीछा करने में मुद्दतें लगेंगी। फेसबुक और ट्विटर पर उनकी फॉलोइंग भले ही बहुत ऑर्गेनिक नहीं हो, लेकिन वो दुनिया में अव्वल है। साथ ही उन्होंने इन कंपनियों के मालिकों प्रमोटरों से निजी रिश्ते बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह रही कि इन रिश्तों में अपने व्यावसायिक लाभ को देखते हुए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मर्स ने नफरत की सियासत को खूब पनपने दिया, जो पीएम मोदी के हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने में बेहद सहायक हैं। नरेंद्र मोदी हिंदुओं में भी पिछड़ों की एकजुटता पर इसलिए ज्यादा जोर देते हैं क्योंकि देश में सबसे बड़ा तबका पिछड़ी जातियों का है। उन्हें ये भी लगता है कि इनकी धार्मिक आस्था को भुनाना आसान है, इसलिए उन्होंने खुद को पिछड़ी जाति का भी बताया। महामिलावटी लोग, मेरी जाति तो इतनी छोटी है, गांव में एकाध घर भी नहीं होता है, और मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूं। आप मेरे मुंह से बुलवा रही हो, इसे बोल रहा हूं। मैंने कभी अगले पिछड़े की राजनीति का मैं पक्षकार नहीं हूं। जब मेरा देश पिछड़ा है तो अगड़ा क्या होता है? मुझे तो पूरे देश को अगड़ा बनाना है। अब नरेंद्र मोदी अपनी छवि एक आध्यात्मिक गुरु की तरह भी बनाते जा रहे हैं। निसंदेह ये सारे काम वो चुनावी फायदे के लिए करते हैं। चुनाव में वोटिंग से पहले वो केदारनाथ जाकर गुफा में बैठ जाते हैं, या फिर 55 कैमरों के साथ वाराणसी में माँ गंगा के बेटे की तरह बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए पहुँचते हैं। उनका हर पल रियलिटी टीवी की तरह देश भर में निजी और सरकारी चैनलों पर प्रसारित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद से कभी भी चुनावी मोड से बाहर नहीं निकले। उन्होंने अपना हर एक्शन, हर तस्वीर प्रचार के लिहाज से ही सामने रखी, इसलिए ज्यादातर निजी चैनलों ने भी उनसे जुड़ी हर खबर या इवेंट को एडवोटोरियल की तरह पेश करते रहे। मीडिया पर इतना जबरदस्त कंट्रोल इससे पहले कभी नहीं देखा गया। नेशनल मीडिया उनकी तरफदारी में किसानों से लेकर हर जन आंदोलन का विरोधी हो गया। विपक्ष को पिटाई करने के लिए डिबेट में बिठाया जाने लगा। नरेंद्र मोदी ने भी जितने इंटरव्यू दिए सब प्रायोजित साक्षात्कार दिए। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करके उन्होंने मीडिया को अपनी विरोधी और एक पक्षीय बताया। उनके अहंकार को हिंदुत्व के स्वाभिमान से जोड़कर प्रचारित किया गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटवाकर अपनी कड़े फैसले लेने वाली छवि को और मजबूत किया। साथ ही 2019 में इसे खूब भुनाया भी गया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रखर राष्ट्रवाद को जोड़कर पिछली सरकारों को डरपोक साबित कर दिया। विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना लगता है दोस्तों, तब जाकर।
ब्रांड मोदी का सीना 56 इंच का बताया गया, जो किसी से नहीं डरता और दुश्मनों को लाल आंखें दिखाने से भी नहीं कतराता है। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को दूसरी बार जीत बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक पर ही मिली थी। पंचशील और अहिंसा की बात करने वाला देश पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाने वाले आतंकियों की वारदात से ऊब चुका था। ऐसे में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक ने मतदाताओं में झुरझुरी पैदा कर दी थी और मोदी जी ने पिछले यूपी चुनाव में इसे जमकर भुनाया भी। उन्होंने घर में घुस कर मारने वाले की छवि बनाई, जो आम मतदाताओं को काफी पसंद भी आई। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे, कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। नरेंद्र मोदी का ब्रांड एक विकासवादी और राष्ट्रवादी नेता के रूप में रचा और गढ़ा गया है। वो निर्भीक हैं, निडर हैं, देश के हित में हर जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर कोरोना प्रबंधन को भी उन्होंने थाली ताली बजवाकर अपने ब्रांड बिल्डिंग में इस्तेमाल किया। अब ब्रांड नरेंद्र मोदी की पहचान को और आगे ले जाने और रिवैम्प की जरूरत महसूस की जा रही है। आयुष्मान त्रिपाठी, एपीएन।